नाउ क्वेश्चन ये है हमारे पास, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x-1 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर 2+√3 एंड 2-√3। ठीक है ना, तो ये हमारे पास पॉलीनोमियल है, ये है 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x-1 और इसके दो रूट्स दिए गए हैं 2+√3 और 2-√3, तो इसके बाकी के जीरोज फाइंड करना है। शुरुआत से मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को एकदम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर पॉलीनोमियल है पी एक्स पॉलीनोमियल है। अब इस पॉलीनोमियल की वैल्यू आपको दे दी गई है, पॉलीनोमियल की वैल्यू दी गई है 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x-1। ये हमारे पास ये पॉलीनोमियल है 2x⁴ माइनस 9x² प्लस 5x² प्लस 3x-1। बेटा इसकी डिग्री कितनी दिख रही है आपको, हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है ना, मतलब इसके 4 पावर है, इसकी डिग्री 4 है। तो 4 डिग्री होती है, जब डिग्री 2 होती है तो कितने रूट निकलते हैं? 2 अल्फा बीटा। तो डिग्री अगर 4 होगी तो मैक्सिमम कितने रूट निकलेंगे? 4 है ना, 4 रूट निकलेंगे। और 4 कितने रूट निकलेंगे इसके मैक्सिमम? 4 रूट निकलेंगे। तो ये देखो रूट क्या होते हैं, उन 4 रूट के नाम हो सकते हैं अल्फा, एक रूट होता है बीटा, एक रूट का नाम आप दे सकते हो गामा और एक रूट का नाम आप दे सकते हो डेल्टा। ना भी दो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास 4 रूट निकलेंगे इस इक्वेशन के, अधिकतम मैक्सिमम 4 रूट निकल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये इनके नाम माने जाते हैं। समझ में आया इतना कि नहीं आया? अब आपको ये बताओ कि अगर एक रूट हो एक्स इक्वल टू अल्फ़ा, जैसे एक रूट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा, तो इसका फैक्टर क्या बनता है? फैक्टर क्या बनता बताइए, एक्स इक्वल टू अल्फ़ा यदि रूट हो तो फैक्टर क्या बनता है? फॉर एग्जांपल मान लो एक रूट आता है एक्स इक्वल टू 2, तो फैक्टर क्या बनता है? मैंने कल ही बताया था x-2, क्या बनेगा? x-2, यानी एक्स इक्वल टू अल्फ़ा का फैक्टर बनेगा x-अल्फ़ा, केवल 2 को इधर ले आओ। अगर एक रूट होगा एक्स इक्वल टू 3, बोलिए उत्कर्ष फैक्टर क्या बनेगा? रॉन्ग, x प्लस 3, क्योंकि इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो फैक्टर बनेगा क्या? x प्लस 3। तो फिलहाल आपको दो रूट दिए गए हैं, एक रूट दिया गया है 2+√3, यानी क्या रूट दिया है? x इक्वल टू 2+√3। समझ में आया? तो इसको इधर लेके आइए तो क्या बन जाएगा फैक्टर? x-2 -√3, ये फैक्टर बन गया। और एक रूट दिया गया है आपको x इक्वल टू 2-√3, तो फैक्टर क्या बनेगा? x-2+√3। क्यों? माइनस को यहाँ लेके आए, एक्स माइनस टू हो गया, 2 को यहाँ लेके आए, 2+√3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x-2-√3 और यह है x-2+√3। तो दो फैक्टर हमको मिल गए हैं, मिल गए कि नहीं मिले? इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आप एक बड़ा फैक्टर बना लो। क्या बना लो? बड़ा फैक्टर, तो जिसका नाम होता है gx। क्या नाम होता है? gx। यहाँ पर आपको x की पावर कितनी दिख रही है? यहाँ पर 1, यहाँ भी कितनी है? तो 1 पावर को मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा फैक्टर कितनी पावर का बनेगा? 2 पावर का। कितनी पावर का? 2 पावर का। मल्टीप्लाई में पावर बढ़ जाती है, देखिए कैसे। जी एक्स इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई, एक बन रहा है x-2-√3 ये वाला फैक्टर, और दूसरा बन रहा है मल्टीप्लाइड बाई x-2+√3, दूसरा फैक्टर। फॉर्मूला a-b a+b, क्या होता है? a² - b² तो ये बन जाएगा a² x-2² - √3। सॉल्व करिए, x² - 4x + 4, माइनस कितना होगा? 3, रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। x² - 4x + कितना? 1। ठीक है ना, x² - 4x + 1, ये फाइनली सॉल्व होकर के आ गया आपके पास क्या? gx मतलब बड़ा फैक्टर। दो छोटे फैक्टर को मिला करके आपने दो छोटे फैक्टर का प्रोडक्ट कर दिया और आपको बड़ा फैक्टर मिल गया। समझ गया ना? अब मैं आपसे कहूँ आपके पास कोई नंबर 6 है, उसका एक टुकड़ा है 2, तो उसका दूसरा टुकड़ा क्या होगा? 3।
क्योंकि 6 में एक टुकड़े का डिवाइड कर दोगे। तो सिमिलरली यहाँ आपके पास पॉलीनोमियल है, पावर कितनी है इसकी 2x की पावर 4, डिग्री कितनी है 4, और यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 2। तो इसका एक टुकड़ा ये है, अगर इसका एक टुकड़ा आपको और चाहिए तो बड़े वाले पॉलीनोमियल में क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है? तो बड़े वाले पॉलीनोमियल में इस छोटे वाले पॉलीनोमियल का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो चलिए आइए डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जी एक्स आया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और जो मेन पॉलीनोमियल है पी एक्स वो कितना दिया गया है बुकलेट में, वो हमको दिया गया है 2x की पावर 4, ओके, माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ये इसका एक टुकड़ा है, इसको दूसरे टुकड़े के लिए इसको आप इससे डिवाइड कर दो। और जो डिवाइड करते हैं, ओके, 2x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, डिवाइड कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। क्लियर है? तो हाईएस्ट टर्म क्या है 2x की पावर 4, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, डिवाइड करते बनता आपसे कैसे करते हैं, यहाँ का हाईएस्ट टर्म और यहाँ का हाईएस्ट टर्म डिवाइड करके पता चल जाएगा आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉलीनोमियल को ये वो यही सिखा रहा हूँ, यहाँ का हाईएस्ट टर्म क्या है 2x की पावर 4, यहाँ का हाईएस्ट टर्म क्या है x का स्क्वायर। तो 2x की पावर 4 में x स्क्वायर को डिवाइड करिए, कितने बार जाएगा 2 बार, तो x स्क्वायर में 2 पावर कैंसिल, कितना बच गया 2x स्क्वायर। तो जो आया वो यहाँ पे पुट कर दो, ये हो गया 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ 2x की पावर 4, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4x माइनस 8x क्यूब, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x क्यूब, 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब क्या होगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि डिवीज़न में क्या होता है सब्ट्रैक्शन, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, इससे ये क्या हो गया माइनस का 9x क्यूब प्लस का 8x क्यूब, माइनस x क्यूब, ठीक है ना, प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, कितना होगा 3x प्लस 3x ऊपर का माइनस 1, जो का त्यों लिख दिया। अब फिर देखो यहाँ पे हाईएस्ट टर्म क्या है माइनस x क्यूब, और यहाँ पे हाईएस्ट टर्म क्या है x स्क्वायर, तो माइनस x क्यूब में x स्क्वायर का डिवाइड करो, कितना बचेगा माइनस x, कितना बचेगा देख लो, क्यों बचेगा क्योंकि 2 पावर से 3 पावर कैंसिल, तो एक पावर बच जाएगी माइनस x, माइनस x रख दो यहाँ पे, तो माइनस x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ माइनस x क्यूब, माइनस x का मल्टीप्लाई माइनस 4x के साथ माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, माइनस x का मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ माइनस x, डिवाइड करो माइनस का साइन चेंज प्लस, ये माइनस और ये प्लस, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हुआ माइनस x, है ना, ये हो गया माइनस x स्क्वायर प्लस प्लस कितना हो गया प्लस 4x माइनस 1। क्लियर हुआ? प्लस 4x माइनस 1। अब यहाँ का हाईएस्ट टर्म क्या है माइनस x स्क्वायर, यहाँ का हाईएस्ट टर्म क्या है प्लस x स्क्वायर, डिवाइड कर दो, माइनस x स्क्वायर में प्लस x स्क्वायर का डिवाइड किया, कितना आया माइनस 1, यहाँ माइनस 1 पुट कर दो जो आ रहा है, माइनस 1 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ माइनस x स्क्वायर, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 4x के साथ प्लस 4x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ माइनस 1, डिवाइड करिए, देखिए साइन चेंज, क्योंकि ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, इतना कितना आ गया 0। तो आपके पास जो टुकड़ा बना वो ये बना, देखो इसका एक टुकड़ा क्या है ये है, तो एक टुकड़ा क्या होगा ये, समझ में आया कि नहीं आया, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, जैसे आपके पास है ये 6 है, तो 6 है ये 2 और ये 3 बार गया, तो क्या लिख सकते हो 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 क्योंकि दिस इंटू दिस। तो ऐसे ही आप इस पॉलीनोमियल को क्या लिख सकते हो कि ये पॉलीनोमियल जो है इन दो चीज़ों के प्रोडक्ट से बना है, इसके और इसके, बोलो हाँ या ना। अरे भाई ये पॉलीनोमियल किसके प्रोडक्ट से बना है, इसके और इसके, हाँ या ना, नहीं आया सक्षम समझ में, ये पॉलीनोमियल इसके और इसके प्रोडक्ट से बना है ना, क्योंकि ये पॉलीनोमियल है ये इसके डिवाइड करने पर ये आया, रिमाइंडर 0 है, मतलब इसके इसके प्रोडक्ट से ये पॉलीनोमियल बना है।
क्लियर नॉट क्लियर? ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि आपका जो मेन पॉलिनॉमियल है पी एक्स, वो दो चीज़ों के प्रोडक्ट से बना है, एक एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, और दूसरा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। तो दूसरा क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। क्लियर है? अब जीरोज़ निकालना है, फॉर जीरोज, बाकी के दो जीरोज, तो जीरोज पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन एंड टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अभी अपने पास क्या आया सॉल्व करने पर, यह आया टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लो, अपने पास दो रूट आ जाएंगे, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो को सॉल्व करिए। कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, टू, और सम करने पर क्या, माइनस वन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मल्टीप्लाई करने पर टू, सम करने पर माइनस वन, तो टू एक्स स्क्वायर नंबर क्या होंगे, मल्टीप्लाई करने पर टू माइनस प्लस माइनस टू प्लस वन, तो ये हो गया माइनस टू एक्स प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। टू एक्स कॉमन, ब्रैकेट में कितना, एक्स माइनस वन प्लस, देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, टू एक्स स्क्वायर क्या हुआ है, ये माइनस वन था एक्चुअली बेटा, यहाँ पे माइनस वन था, ये गड़बड़ी हुई है, ये माइनस वन था, है ना, तो प्लस वन कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स माइनस वन और टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो कंपेयर करने पर एक रूट आ गया एक्स इक्वल टू वन, और टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो कंपेयर करने पर एक रूट आ गया टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, यानी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन, दूसरा रूट ये आ गया। ओके, तो इस तरीके से हमारे दो रूट तो दिए हुए हैं ना ऑलरेडी, बाकी के दो रूट तो दिए हुए हैं, टोटल चार रूट होंगे जिसमें दो रूट दिए हुए हैं। देखो ये दो रूट दिए हुए हैं, हाँ या ना, ये दो रूट तो दिए हुए हैं, और ये दो रूट फाइंड करने थे जो अपन ने निकाल लिए, तो वन और वन बाई टू फाइंड कर लिए। समझ में आया? यस सर।